वो सरप्राइज मैक्रॉन ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, एयरबस की पर बनते हैं उनके चीजें, पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जॉब्स क्रिएट होगी। उसके बाद बाइडन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जॉब यहां पे क्रिएट। भाई ये चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती हैं। कौम को, इदारों को, हुकूमतों को इस बारे में बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक, जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अब बोइंग का और एयरबस का, दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा विल ट्रांसफर इनटू इंडिया। यहां आवाम बिचारी आटा नहीं खरीद पा रही, बुनियादी जरूरियात के लिए खटखटाते फिर रही दरवाजे। कल साहब, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो F-35 जो है वो खरीदने का ख्वाहिशमंद है? अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे, ये कल को फाइटर जहाज भी नहीं बने। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एयर इंडिया और बोइंग सौदे की ऐतिहासिक और इसे परस्पर लाभकारी सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण करार दिया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत अमेरिका की साझेदारी को गहरा करने पर संतोष भी व्यक्त किया। आपको पता है दोस्तों, भारत की निजी क्षेत्र की एयरलाइंस एयर इंडिया $34 अरब के सौदे में बोइंग से 220 विमान खरीदेगी। इस मौके पर राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, मुझे आज एयर इंडिया और बोइंग के बीच ऐतिहासिक समझौते के जरिए 200 से अधिक अमेरिकी विनिर्मित विमान के सौदे की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस सौदे के लिए धन्यवाद किया। अब तीनों महाशक्तियों के, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मोदी को धन्यवाद करने पर पाकिस्तान सकते में है। अच्छा साथी साहब, जहाँ ये सब है वहीं पर हम ये देख रहे हैं, जो हम ये बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि हम, आपने तफसीली इसके पर फरमाया कि टिम हॉर्टन्स के सामने एक ऐसा मुल्क जो कि दिवालिया हो रहा है, वहीं पे हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। और आपने जब साथ में ये भी कहा कि वहां पर इन्फ्लुएंस है, लॉबिंग है वहां पर, तो अब एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है जिसके पर सब बात करें, इस वक्त $100 बिलियन से जो है वो उसकी जो उन्होंने एयरक्राफ्ट और प्लेन्स जो हैं और उसकी जो परचेज हुई है उसके ऊपर बकायदा शुक्रिया अदा किया गया है इंडिया का। आपके प्रेसिडेंट बाइडेन, उन्होंने बकायदा थैंक्स अदा किया और उसकी वजह से आप ही के कंट्री में मिलियन जॉब्स क्रिएट। अमेजिंग कि एक कंट्री दूसरे सुपर पावर के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है। और आपको याद है हमने कितनी नौकरियां देनी थी और कहां पे पहुंचे हैं? देखें, उसका मैं बताना चाहता हूँ आगे उसका। आपने एक और चीज जो मैं एक तो चले मैंने उसके पूरी स्टोरी उसके बारे में पढ़ी और आई वाज सरप्राइज। मैक्रॉन ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, एयरबस की पर बनते हैं उनकी चीजें, पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जॉब्स क्रिएट होगी। उसके बाद बाइडन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जॉब यहां पे क्रिएट। लेकिन इसके साथ क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, जो कि मैं समझता हूं कि इंडिया विल इट विल दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। अब मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक, जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अब बोइंग का और एयरबस का, दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा विल ट्रांसफर इनटू इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक, अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे, ये कल को फाइटर जहाज भी नहीं बने। कल साहब, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो F-35 जो है वो खरीदने का ख्वाहिशमंद है? सुनने में यही आ रहा है कि इंडिया और अमेरिका की डील नहीं हो पा रही, डील नहीं हो पा रही, या वो पता नहीं
वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी सख्त हैं, इसी वजह से इंडिया को जो है वो राफेल लेना पड़ा। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? और सुनने में आया कि पहली दफा राफेल जो है दैट इज इन राफेल कह रहे हैं F-35 इज इन इंडिया इन दिस एयर शो सर। देखिए चिमन साहब, इंडिया और यूएस का आपने जैसे मैंने अभी बताया कि एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है और हमने काफी सारे उनसे लिए भी हैं। उसका एक और भी एग्जांपल जैसे है अभी जो जो अपैचेस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो ड्रोन हो, इन सब चीजों का इंडिया और यूएस के बीच में भी पार्टनरशिप है। जहां तक फाइटर्स का बात है, अभी तक हमने यूएस से कोई फाइटर्स लिए नहीं है। और जहां तक F-35 की बात है, F-35 जो सिक्स्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जाता है वो, तो वहां पर भारत अपना खुद का एक सिक्स्थ जनरेशन या 5.5 जनरेशन कहते हैं, जो AMCA एडवांस यू नो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसकी बात चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अपना F-35 को मेरे अभी तक, क्योंकि मैं एक प्योर एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर कर रहा हूँ, एक F-35 का ना इंडिया ने कोई मांग की है कि हमें ये चाहिए, और ना मेरे ख्याल से F-35 यूएस भी ऑफर करेंगे, क्योंकि यूएस का भी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। तो मेरे ख्याल से उनको पता है कि इंडिया का वी आर नॉट लुकिंग एट F-35, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं और हम उस तरफ से बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से भारत कोशिश कर रहा है कि एक AMCA का जो एडवांस, जैसे भी LCA आया है, इसी का एडवांस वर्जन का जो जब AMCA आएगा, तो वो इंडिया आई थिंक इज फोकसिंग ऑन दैट आज की तारीख में। तो F-35 इज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स जहां तक एयरफोर्स की बात है। अच्छा कल सब, जिस तरह मैं आपने बताया, मैंने भी इसमें पढ़ा कि जो यूएस का जो डेलीगेशन है वो तकरीबन 27 साल एयर शो की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डेलीगेशन जो है वो आया। आप क्या समझते हैं कि दी अमेरिकन जो हैं, पर्टिकुलरली अगर रिसेंटली आपको याद होगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब भी गए हुए थे अमेरिका, सो यही बात मेन की जा रही है कि अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि इंडिया की रिलायंस ऑन रशिया के ऊपर काम हो। इस सारी आज की इस एयर शो में रशिया का कोई जिक्र नहीं कर रहा, बट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट यूएस यूएस यूएस, सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्रांस का जिक्र कर रहे हैं, बोइंग की बात हो रही है, एयरबस की बात हो रही है, रशिया का कोई जिक्र नहीं। सो ये जो चीज़ है, आप समझ रहे हैं कि स्लोली स्लोली इंडिया जो है वो रशिया से पीछे हटेगा, नॉट के वो शो भी नहीं होगा, लेकिन वो जारी बात है, आपने ताल्लुक ख़त्म तो नहीं करना होता, लेकिन आपने किसी और से ताल्लुक बढ़ा लेना होता है। डू यू थिंक कि ये चीज़ है, क्योंकि रशिया का कोई नाम नहीं ले रहा आज सारे, और अगर रशिया का नाम ले भी रहे हैं इंडिया में, तो वो इसी सेंस में ले रहे हैं कि हमने तेल ले लिया $25 अरब का और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमें फायदा है। सो आप इसको कैसे देखते हैं ये चीज़? देखिए मेरा ये मानना चाहिए सर, हम रशिया से कहीं दूर नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आज इंडिया में विद फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के अंडर, हम लोग अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट को बरकरार रखने का बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है। तो जैसे आपने अजीत दोवल साहब का कहा था, वो यूएस में गए थे और वहां पर उनका एक ICET करके जो एक टेक्नोलॉजी का, वहां पर उसके बारे में भी बात हुआ करके आया था कि जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में वहां पर क्या